अभी मेरे साथ में निखिल हैं और निखिल के साथ में मैं अबाउट टू दी सोसाइटी जो है ये, तो क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, किस तरीके से यहाँ पे जितने ये रेजिडेंट्स हैं उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गेट सोसाइटी है नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी आसपास है या नहीं है, एजुकेशन का मैं आपको पहले बोल चुका था कि वो फैसिलिटी अवेलेबल है, दूसरा रोड्स की जो कंडीशन है वो क्या है, वाटर का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाट एवर जो भी आपको एक जानकारी चाहिए वो निखिल के थ्रू आपको मिल जाएगी। निखिल थोड़ा सा मुझको बताओ इसके बारे में कि आपका यहाँ सोसाइटी किस टाइप का है। सर ये जो हम देख रहे हैं ये GVP रोजवुड 2 में हम खड़े हैं जो कि 48 एकड़स में ये सोसाइटी बनी हुई है। अच्छा। और ये हमारे जो सोनिया होम्स हम फ्लैट बना रहे हैं आप देख पा रहे हैं शुरू से लेके एक पूरी की पूरी एंड तक हमारी ये लाइन है। और ये GVP रोड टोटल कितने फ्लैट्स हैं? टोटल हमारे 125 फ्लैट्स हैं। 125 फ्लैट्स हैं और ये आप जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं दूसरे एंड तक लेके जा रहा हूँ तो ये सब जो है एस्टोनिया होम्स के हैं वहाँ दूर तक। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि बाहर व्हीकल खड़े हैं तो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। कितना परसेंट हो चुका मतलब टोटल इसमें? हमारे अभी रेडी टू मूव जो 125 में से 90 हो चुके हैं। अच्छा। जिसमें से 75 हमारे सोल्ड आउट हैं और 65-70 हमारी फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट इन हो चुकी हैं। ये रोड तो काफ़ी छोटी लग रही है, 30 ये 35 फीट वाइड। अच्छा। रोड्स हैं तो ये 35 फीट के आसपास है। और जो ये आपने दिया है पार्किंग प्लेस ये यहाँ दिया है फ्लैट्स के पार्किंग प्लेस की एक आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में जो भी घर हैं इनकी जो फेसिंग है वो अपने ऑपोजिट साइड्स हैं। ये जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स हैं जिसकी वजह से जो ये वाला एरिया है यहाँ पे ये कोई भी पार्क नहीं कर सकता, किसी का राइट नहीं बनता है। तो ये सारा का सारा राइट एस्टोनिया होम्स का ही है। तो हम एक पार्किंग तो आपको पर फ्लैट की इस आगे ही दे रहे हैं फ्लैट के आगे, और यहाँ पे आप चाहे 10 गाड़ियाँ भी लगा सकते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दूसरी साइड क्योंकि ये इस जगह का हमारा ही राइट बनता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो 35 फीट की सड़क हो चुकी है आपकी चौड़ाई में और दूसरा जो है सामने किसी और के घर भी नहीं है। हाँ। तो उनका फ्रंट नहीं है फ्रंट, तो इसलिए उनका कोई राइट नहीं है कि वहाँ पे वो पार्किंग करें। तो ये भी इसमें आपको जो है फैसिलिटी मिलती है कि सामने आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ ये गेटेड सोसाइटी है कवर्ड ये पूरे यहाँ पे ये 3 गेटेड सोसाइटी है जो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये 48 एकड़ में बनी हुई है सोसाइटी। तो इसको 3 साइड गेटेड है और तीनों साइड में 24 घंटे 3-3 गार्ड हर गेट पे परमानेंट रहते हैं। CCTV प्रॉपर यहाँ पे सोसाइटी में लगे हुए हैं। तो एक CCTV, अच्छा ये जो पोल पे लगे हैं ये? हाँ, ये जैसे हमने लगवाए हैं, बाकी यहाँ पे पूरी सोसाइटी तो हर जगह ही जो है कुछ ना कुछ जगहों पे आपके CCTVs लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, जिससे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये कैमरे भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, और ये डिफरेंट प्लेसेज पे जहाँ पे भी गेट हैं या इस तरीके से हैं तो वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो और दूसरा ये कुछ आप इसका बताओ कि है स्विमिंग पूल या जिम वगैरह क्लब्स के बारे में? क्लब हाउस प्रॉपर बना हुआ है जो कि एक आप जिम देखोगे तो जिम प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग जिम है। आपको अगर हम दिखा पाए तो हम आपको जिम दिखाएंगे जिसमें कि प्रॉपर सारी वेट मशीन से लेके आपकी हर तरह की मशीन्स उसमें अवेलेबल्स हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक जिम ट्रेनर ना हो, परमानेंट वहाँ पे जिम ट्रेनर रहता है। बहुत नॉमिनल चार्जेस से आप उसको जिम को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके चार्जेज वगैरह क्या है? सर एक क्लब मेंबरशिप चार्जेज होते हैं, वन टाइम पेमेंट होती है, उसके बाद आपकी वो परमानेंट आपकी मेंबरशिप हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह? इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे आपकी ज़्यादा कट जाता नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो यहाँ हमने ट्रांसफार्मर आप देखते हो, पहली बात तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई भी वायर्स बाहर से नहीं होगी, वायर्स कोई भी बाहर से नहीं होगी, सारी की सारी अंडरग्राउंड फिटिंग होगी और हमारी जो प्रॉपर उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स शाम को 6 बजे तक। कोई भी पोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना? हाँ, ऐसा वायर का कोई पोल नहीं है? कोई वायर का पोल नहीं। तो ये जो केबल आ रहे हैं ये क्या है, इंटरनेट के लिए या केबल? अगर किसी ने जैसे अपना वो लगाया हुआ है केबल लगाया हुआ है, टीवी का केबल है या इंटरनेट का है, वो बाहर से आ रहे हैं। ये सभी पोल पे LED लाइट लगी है? LED लाइट। तो आसपास कितनी सोसाइटी हो रही है यहाँ पे?
जीबीपी जीबीपी की हमारी नौ सोसाइटीज है, नौ सोसाइटी है, मतलब पूरा टाउनशिप बन चुका है। ये जो जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं ये खुद ही एक टाउनशिप बन चुकी है, 48 एकड़ की ये टाउनशिप है और इसमें करीबन 2000 से 2500 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है पूरे सोसाइटी में, रोजवुड वन एंड रोजवुड टू में। सोनिया होम्स में हमारे जो साथ में रह रहे हैं वो एयरफोर्स के रह रहे हैं, रिटायर्ड सीआरपीएफ के हमारे पास चार क्लाइंट्स रह रहे हैं, एयरफोर्स के चार क्लाइंट्स रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कतर एयरवेज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रह रहे हैं, जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रह रहे हैं, दिल्ली से लोग बाहर से मूव आउट करके यहाँ पे बिजनेसमैन अच्छे अच्छे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा कनेक्टिविटी जो इसकी अभी एस्टोनिया होम्स की है वो कैसी है, मतलब अगर आप तो अपने आप से ही बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं कनेक्टिविटी के बाद अपने रोड को छोटे रोड हैं या बड़े रोड हैं या सर यहाँ ये पहली बात तो नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और जो ये बरवाला रोड कहा जाता है ये खुद से ही नेशनल हाईवे 23 है जो कि पोंटा साहिब को कनेक्ट करता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सोनिया होम से अगर हमने हल्दीराम जाना हो तो 5 मिनट की दूरी पे है, KFC मैकडी आईनॉक्स वगैरह जाना हो तो वो 5-10 मिनट्स की दूरी पे है। अगर हमने एयरपोर्ट जाना हो तो सीधा यहाँ से अम्बाला अगर हाईवे पे चढ़ोगे तो 15 मिनट्स की आपकी मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट्स देख पा रहा हूँ। तरफ ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ 3 फ्लोर से ज़्यादा है, हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो होगा G+2 ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब जो है कि ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है, नेचुरल एयर का फ्लो है। हाँ जी, और इस तरीके से कोई प्रॉब्लम जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं हो चारों तरफ, और ओपन एरिया अवेलेबल है, नेचुरल एयर है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीवेज का मैं बता दूँ दोनों सड़क में अभी एक ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बनाए हुए सड़क के दोनों साइड में, तो ड्रेनेज के लिए ये प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, तो आपका जो पानी है वो नहीं रुक पाएगा, है ना। तो ये ड्रेनेज के लिए भी प्रॉपरली प्लान्ड है। क्लब और स्विमिंग पूल के साथ में जुड़ा हुआ मंदिर, और मंदिर के साथ में ही जो है आप यहाँ इस रूम को आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है और कोई भी फंक्शन के लिए दी बेस्ट प्लेस है। तो ये एसोसिएट है मंदिर के साथ में, और एक नॉमिनल फीस के साथ में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में अभी आपको ये भजन कीर्तन की जो आवाज़ आ रही है ये मंदिर है, और यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर ये पूल टेबल आप देख सकते हैं, टीटी टेबल इस साइड में अवेलेबल है, तो टीटी की टेबल भी अवेलेबल है। बाहर ही है आपका इस तरीके से स्विमिंग पूल,